या। तो अब हमारे पास वेव का एक ऐसा टॉपिक जहां से आउट है क्वेश्चन, आना है पेपर में, चाहे सीबीएसई का कोई सा भी ईयर हो, 2019 की बात करूं, 20 की बात करूं, 18 की बात करूं, कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आना ही है। और टॉपिक है इंटरफेरेंस। अभी तक हमने जितनी सारी बातें की वो सारी बातें थी रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि वहां पर सुपरपोजिशन ही तो करा रहे थे हम वेव्स का। वहां पर दो वेव्स आ रही थी, उस पॉइंट पर सुपरइंपोज हो रही थी। ग्राफिकल पहले वीडियो में देखा, दूसरे वीडियो में मैथमेटिकली देखा। अब और आसानी से उसको आगे बढ़ा ले जाते हैं अपन। और अब अपन आ जाते हैं इंटरफेरेंस पर। तो इंटरफेरेंस है क्या? इंटरफेरेंस है कि मेरी पॉकेट में 100 थे, मेरे दोस्त की पॉकेट में, जो अभी दिख नहीं रहा था आपको मगर अब दिख रहा है वो वेव, वो उसके पास भी 100 थे। मैंने एक काम करा, मैंने उससे 100 ले लिए, तो मेरे पास हो गए 200, उसके पास है जीरो। अब जीरो 200, स्टिल सम इज 200। वैसे ही जब किसी सोर्सेस से वेव्स निकलती हैं और किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज होती हैं, तो उनकी एनर्जी आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एनर्जी उतनी ही है मगर एनर्जी आपस में क्या हो गई? रीडिस्ट्रीब्यूट। कहीं पर बन गया मैक्सिमा, कहीं पर बन गया मिनिमा, इंटेंसिटी कहीं पर बढ़ गई, कहीं पर कम हो गई। ये सब क्या हुआ? ये सब था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की वजह से, यानी कि इंटरफेरेंस। सो व्हाट इज इंटरफेरेंस? इट इज अ फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन two or more waves superimpose, but the rays should come from coherent sources. तभी हम देख पाएंगे। कोहरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहरेंट सोर्सेज होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो। इसीलिए तो बाबा जी शुरू से ही चल रहे थे सेम फ्रिक्वेंसी लेके। चाहिए ही नहीं, ज़्यादा पढ़ने से काम होने वाला नहीं है, और जितना पढ़ा है उससे काम 100% हो जाएगा। तो अपना हो गया सेम फ्रिक्वेंसी, कोहरेंट सोर्सेज। एक दो मार्क में यही क्वेश्चन आ जाता है, कोहरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? तो कोहरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज हुज फ्रीक्वेंसीज आर सेम एंड जीरो और कांस्टेंट पाथ डिफरेंस। जीरो हुआ बिल्कुल ठीक है, नहीं हुआ तो फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड पर कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है, बुक्स में कई में लिखा होता है। देखो भाई, अगर एम्पलीट्यूड अच्छा होगा तो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा बनेगा, ब्राइट और डार्क का। डार्क बिल्कुल जीरो बनेगा, ब्राइट बहुत अच्छा बनेगा। तो आप आसानी से देख पाओगे कहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, कहाँ पर कम हो गया। बट एम्पलीट्यूड में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो चलेगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हुआ तो हम नहीं समझ पाते कहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि A1 माइनस A2 होता है ना, जहाँ पर कम होता है। तो A2 अगर बहुत कम हुआ A1 से तो डिफरेंस नहीं दिखता। इसीलिए कई बार बुक्स में लिखा होता है एम्पलीट्यूड शुड ऑल्सो सेम, बट दैट इज नॉट द मैंडेटरी कंडीशन। एम्पलीट्यूड सेम होना मैंडेटरी नहीं है। तो कोहरेंट सोर्सेज यानी सेम फ्रिक्वेंसी हो, जीरो और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस हो, और इंटरफेरेंस इज सिंपली इट इज अ फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू और मोर वेव्स सुपर इम्पोज। तो ये हमारे पास फ्रॉम कोहरेंट सोर्सेज। तो ये हमारे पास हुआ इंटरफेरेंस की बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट अवेटेड, YDSE Young's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हमसे क्या कह रहा था? ये एक्सपेरिमेंट हमको प्रोड्यूस करके देता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न हमको प्रोवाइड करके देता है। कैसे? तो कोहरेंट सोर्सेज, जैसे अगर आपने दो एक ही कंपनी के दो बल्ब भी खरीद लिए ना, जैसे बजाज के ही आपने दो बल्ब्स ले लिए, तो आप ये सोचो कि ये दोनों की 40-40 वॉट के हैं, इन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी, ये कोहरेंट सोर्सेज बन जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। अगर एक 5678.2 है तो दूसरा 5678.22222, मतलब फ्रैक्शन में जाके डिफरेंस होगा, मगर डिफरेंस ज़रूर होगा, और फिर हम ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है कि हम एक सोर्स को ही दो बना दें। अब जैसे अगर मेरे सामने ये आपके हाथ है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दो ओपनिंग्स कर दूँ और यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराऊं, तो मुझे क्या पता उस साइड एक लाइट सोर्स है या दो लाइट सोर्स है, मुझे तो दो सेक्शन से लाइट आ रही है। तो मेरे लिए क्या हुआ? मेरे लिए ये दोनों सोर्सेस हैं, पुराने वाले गेट, बीच में दो छेद, बाहर से लाइट आ रही है,
दोनों छेदों से लाइट आ रही है, क्या पता कितनी जगह से आ रही, कितने ट्यूबलाइट्स बाहर जल रहे हैं। मेरे लिए तो दो हैं, अगर एक भी जल रहा है तब भी मेरे लिए दो हैं। वही जुगाड़ हमने यहाँ लगाई। इन्होंने क्या करा, YDSC में इन्होंने एक सोर्स लिया, सोर्स ये वेव फ्रंट्स हमारे पास स्फेरिकल निकलते हैं पॉइंट सोर्स से, और रेज हमेशा वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये मेरी रेज, कुछ कुछ वेव फ्रंट दिखा देने चाहिए, अच्छा लगता है, मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो ये मेरे पास दो रेज हुई, ये रेज इंसिडेंट करा दी मैंने, एक ऐसा पैटर्न बना दिया जिसमें दो स्लिट्स है। अब ये एक स्लिट S1 है और एक स्लिट S2 है। जब ये रेज यहाँ इंसिडेंट होंगी तो ये दोनों स्लिट पर सेम सोर्स से आ रही है, इसका मतलब एक कोहरेंट सोर्स होगा ये दोनों। अब ये रेज जब आगे बढ़ी और ये मेरे पास स्क्रीन थी, जब ये वेव्स अलग अलग हो सकती हैं, मैं अभी फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ दो ही ले रहा हूँ, इस पॉइंट पी पर जब S1 से चलने वाली रे और S2 से चलने वाली रे पहुंची, ये वेव्स हैं, मैंने रे बना रहा हूँ वेव्स, क्योंकि रे के वेव्स के फॉर्म में समझने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये मेरे पास जब ये इस पॉइंट पर पहुँचे, तो अब इस पॉइंट पर या तो वो याद आया ग्राफिकल वाला, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या फिर डिस्ट्रक्टिव, मतलब या तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, वो किस पर डिपेंड कर रहा होगा, वो डिपेंड कर रहा होगा पाथ डिफरेंस पर। तो मुझे ये पता करना है कि इस पी पॉइंट पर कब कंस्ट्रक्टिव यानी कब एम्पलीट्यूड बढ़ गया, कब इंटेंसिटी बढ़ गई जिसे अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कब हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क बन रहा होगा, कुछ लाइट ही नहीं होगी, डार्क फ्रिंज बन रही होगी, ऐसा कब बनेगा। तो वो मुझे इसमें कंडीशन निकाल कर लेके आनी पड़ती है, और फिर अल्टीमेटली हम लोग निकाल कर लेके आ रहे होते हैं फ्रिंज की विड्थ, जो कि इस डेरिवेशन का फाइनल एंड है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई ये दो रेज आ रही है, एक S1 से आ रही है, एक S2 से आ रही है। हाँ आ रही है। अब आ रही है तो इस पॉइंट पर क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, क्या है पर डिपेंड करेगा, बताया था ना पाथ डिफरेंस पर, किस पर, पाथ डिफरेंस पर। पाथ डिफरेंस कैसे निकालूं सर, तो मैंने कहा भाई ये कितना चल रहा है S1 से P, बिल्कुल ठीक, ये कितना चल रहा है S2 से P, तो दोनों लेंथ को माइनस कर दो ना यार, दोनों लेंथ को माइनस करोगे तो तुमको मिल जाएगा क्या, S2P माइनस S1P विल बी योर पाथ डिफरेंस। अगर जीरो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ तो आएगा ही। तो मेरे पास आ गया पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P। अब मुझे निकाल कर लेके आना है इसको, कैसे निकाल कर लेकर आऊं, क्या इसमें कुछ कर सकता हूं, कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं, बिल्कुल करते हैं। हम ये मेथड 1 से कर रहे हैं, इसके बाद वाला मेथड 2 दो स्टेप में आंसर देगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर पढ़ेंगे। कई बार ये ज्यादा अच्छा लगता है बच्चों को थीटा वीटा देखने से, इसलिए अपन लोग दोस्तों यही कर लेते हैं, है ना, पहले फिर अपन करेंगे मेथड 2। तो मुझे निकालना है S1P, मुझे ये डिस्टेंस d पता है, मुझे ये a/2 भी पता है, मुझे ये डिस्टेंस y भी पता है, कुछ ट्राइंगल व्राइंगल बना सकता हूँ क्या। मैंने कोशिश करी बनाने की, कैसे, देखो मैंने ये दो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ करी, ये बन गया मेरे पास a और ये हो गया पॉइंट b। तो अब एक ट्राइंगल दिख रहा है क्या, PS1A, इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या S1P यहाँ से निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। ये डिस्टेंस कितनी होगी PA, अब बताओ ये पूरी डिस्टेंस क्या है y, और ये डिस्टेंस क्या है a/2, तो ये PA डिस्टेंस क्या हो जाएगी y-a/2, फिर से PA डिस्टेंस क्या हो जाएगी y-a/2। तो अपने पास आ गया ये y-a/2, ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास d, तो s1p निकल आएगा, निकाल लेते। PS1A ट्राइंगल को सॉल्व करने पर ये मिला, पाइथागोरस लगाई। सिमिलरली PS2B, क्योंकि मुझे तो S2P भी चाहिए था ना, अगर PS2B ट्राइंगल देखूं तो ये S2P का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर d स्क्वायर प्लस दिस, अब ये डिस्टेंस कितनी है यहां तक, तो ये y हो गया, प्लस ये डिस्टेंस कितनी थी a/2, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस a ली थी ना S1 S2 के, तो ये a/2, तो y प्लस a/2, तो ये हो गया y प्लस a/2 का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू S2P होल स्क्वायर। नाउ ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो डिफरेंस चाहिए था ना यार S2P माइनस S1P, तो मैंने कहा यार दोनों को माइनस कर देते, माइनस किया तो ये क्या आ गया S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, इसको इससे माइनस कर देंगे हम, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस b इंटू a माइनस b, ये मिल गया मेरा पाथ डिफरेंस।
और S2P+S1P क्यों? क्योंकि ये जो D है ये बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा दूर है तो ये जो टर्म आ रहा है ना हमारा S2P और S1P, इसकी नियरली लेंथ जो है वो D के बराबर आ जाएगी, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। मतलब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये जो स्लोप दिख रहा है ना हमको ये बहुत कम है, तो अप्रोक्सीमेटली ये किसके बराबर है? डी के अप्रोक्सीमेटली। तो S1P और S2P हम माइनस में नहीं लिख सकते हैं, माइनस में सेम लिख देंगे तो फिर तो डेरिवेशन ही खत्म हो गया, हमको फिर डेल्टा लिखने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, फिर हम तो बोल देते ये जीरो है, खत्म हो गई, माइनस में नहीं कर सकते। इसलिए दिमाग में वो जो डाउट आ रहा था ना उस डाउट को ख़त्म कर दो कि माइनस में क्यों नहीं किया। माइनस में इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस में क्यों कर रहे हैं? ताकि सिंपल हो जाए, थोड़ा आसपास आंसर चलता है ना। तो इसीलिए हमने डी बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो S2P देखो एंगल अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तो ये कम होता चला जाएगा, तो लगभग लगभग वो डी के बराबर होता चला जाएगा। तो डी प्लस डी क्या बन गया? 2D। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैं मान रहा हूँ कि जितने भी फिजिक्स बाबा वाले हैं उन सबको इतना तो पता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर कैसे ओपन करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस डी स्क्वायर, ऐसे ही ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा और ये डी स्क्वायर है। a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस क्योंकि बीच में प्लस आता, और वो जो माइनस 2AB आता ना वो इस माइनस की वजह से क्या बन जाएगा? प्लस। अब देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बाय 4 से ए स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, ये क्या बना? a into y, ये क्या बना? a into y क्या बना? 2ay, और ये हो चुका है 2D। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल, डेल्टा की वैल्यू आ गई y a upon d। ये आ गया मेरे पास पाथ डिफरेंस। अगर मैं y की बात करूं तो यहां से मेरे पास y का भी फॉर्मूला आ गया डेल्टा d बाय a, और अब मैं यहां से निकाल सकता हूं कि भाई किस पोजीशन पे मुझे ब्राइट मिलेगा, किस पोजीशन पे मुझे डार्क मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे डेल्टा की जगह पर वैल्यू रखनी है, एक बार रख दूंगा पाथ डिफरेंस n लैम्डा। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा n लैम्डा कब होगा, कंस्ट्रक्टिव के केस में होगा, प्रीवियस 2 वीडियो जरूर देख लेना जिसमें बाबा जी ने आपको सुपर पोजिशन के पूरे फंडे ग्राफिकली प्लस मैथमेटिकली बताए थे। तो डेल्टा की वैल्यू रख देंगे हम n लैम्डा। अगर मुझे एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, कंस्ट्रक्टिव में बढ़ जाता है जीरो फेज डिफरेंस या फिर n लैम्डा पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस रख दूंगा n लैम्डा, तो nth फ्रिंज की पोजिशन आ जाएगी ब्राइट के लिए। और अगर डार्क का रखूंगा तो डार्क के लिए पहले जल्दी से पॉज करो और इसको नोट करो, एंड देन वी विल मूव टू पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ड्राइव करेंगे फ्रिंज विड्थ। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हो।